हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आए हो सब अच्छे हो गए? तो सुबह के बज रहे हैं 8:30। कुकू आज स्कूल नहीं गई गाइस, आज घर पर ही है कुकू। कुकू के लिए आज सरप्राइज कि हम लोग जाने वाले हैं आज नानी के घर। सही गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ अपने घर राजपुर, क्योंकि वहाँ भैया भाभी ने बुलाया हुआ, क्योंकि उनकी यहाँ का था। और दूसरी बात कि आज पापा जी भी आने वाले हैं, तो पापा जी गांव से शाम तक ही पहुंचेंगे, 3-4 बजे तक। तो तब हम लोग वहां से लौटेंगे, तब तक पापा जी पहुंच जाएंगे घर। तो लगभग जितना भी मेरा मॉर्निंग का सारा जो भी काम है लगभग मैंने वो कर लिया है। और आज नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, जो मैंने अभी आलू उबालने रखे हुए हैं, और मैं भूल जाती हूँ कई बार कुछ चीज़ें रख के। तो गाइस मैं कर देती हूँ इंजेक्शन बंद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कभी दूध चढ़ा देती हूँ कुछ भी चीज़ें, तो मैं भूल जाती हूँ काम के साथ साथ। तो अभी मुझे मशीन में कपड़े बिठाने हैं गाइस। तो गाइस मैं जाती हूँ सबसे पहले छत पर, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है। टिमी को मैंने सुबह ही बांध दिया था, क्योंकि लत्ती गौरी अभी लोग यहाँ नहीं है, वो कहीं जा रखे हैं अभी। तो चलते हैं गाइस हम अभी ऊपर। ए गंदी लड़की, रोटी खा लो, खा ली रोटी सारी। ये हुई ना बात, ये हुई ना कुछ बात। अब कैसे खाई अब रोटी? इसे क्या हो गया, ये मेरे पैरों में क्या कर रही है टिमी? बे भाई, इसने तो बाल लगा दी सारे। भर गया पेट। चल ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस हमारे यहाँ कुछ एक नया फूल हो रहा है, ये इस तरह से। नाम तो मुझे मालूम नहीं इसका, बट लेकिन ये देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई। कुछ इस तरह से होता है गाइस ये। तो गाइस ये है मशीन में डाल देती हूँ फटाफट कपड़े। इसमें कपड़े हैं, पहले से ही ज़्यादा होते हैं इसमें कपड़े। अभी मम्मी ने सर्फ डाल दिया था, तो मैं भी ले आई है। मेरी ज़्यादा तो नहीं कमी है, तो सर्फ है यार, ऊपर ही डालो कैसे। हाँ मैं भाग रही कहाँ, वो तो ही हो गया नाना धोना। कैसे लग रहा तुम अजीब से बालों में ना, छोटे छोटे बालों में लग रहा नहीं, मतलब थोड़ा एकदम लुक चेंज हो जाता ना। अरे तुमने धरती हिला दी यार, वो कब आ जाएगा बेबी। चलो गाइस ये तो होता रहेगा, बज गए 9। अब मैं नहाती हूँ, मैंने आलू रखे उबाले, मैंने कहा आलू के पराठे बनाऊंगी आज। खाल पहले पुरानी खाल खाली से पहले खाल निकाली। मतलब कि तुम्हारा असली रूप था क्या बिल्ली? शेर शुरू कही नहीं है वो। हाँ जी, पोछा नहीं लगा रही, कमरा साफ ही है। बंद क्यों कर रही है? ये मैट बिछा दो अभी। मैं आलू पराठे बना रही, आलू उबाल रखे मैंने। तो हमने वहां नहीं जाना आज राजपुर? तुम मुझे टाइम तो बताओ कितने बजे जाना है तुम। अच्छा पहले बताओ कि काम कितने का, यहाँ से हम फिर निकल जाएंगे 11:30 बजे। बताओ मेरे काम के हिसाब से तुम चलोगे, तुम्हारे काम के हिसाब से यहाँ से हम लोग 11 बजे निकलेंगे। चलो फिर 11 बजे। हाँ तुम अपना सब तक काम निपटा लेना, एक आध जो भी होगा, मतलब एक दो काम निपट ही जाएंगे तुम्हारे, है ना। आलू पराठे फिर आके खा लेना। चलो ठीक है फिर। चलो गाइस तो जो भी काम है फटाफट करती हूँ मैं, इनको देती हूँ नाश्ता और कॉफ़ी, ठीक है। तो गाइस मैंने रखे हुए थे आलू, तो आलू उबल गए। तो चलो आलू तो बाद में छीलेंगे, पहले मैं बनाती हूँ फटाफट से नाश्ता। नाश्ता तैयार, मैं फटाफट देती हूँ बेबी को, आलू के पराठे तो वो आके खाएंगे। भजन गाइस नहाना भी हो गया है, और आटा मैं गूंथ के ही गई थी, दूध भी उबला हुआ है, और आलू मैंने उबाले हुए हैं, आलू भी उबले हुए हैं। तो फटाफट से पहले मैं आलू छील लेती हूँ और जल्दी नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि हो गए 10:30। तो हम लोगों को यहाँ से 11 या 11:30 बजे निकलना है, पर निकलेंगे भी तभी जब बेबी आएंगे, क्योंकि ये लोग तो सुबह नाश्ता करके निकल गए थे, तो जब ये आएंगे तो हम तब निकलेंगे गाइस। तो फटाफट से करते हैं तैयारी। तो सो गाइस हमारे बन गए यहाँ पर पराठे, और बेबी भी आ गए गाइस जल्दी। मैंने जैसे उन्हें बोला था 11:30 के आस पास भी पहुँच ही जाना, लेकिन वो जल्दी आ गए। तो मेरे बन रहे पराठे सबसे पहले दूंगी मैं मम्मी को, और साथ में देखती हूँ चटनी बनाऊँगी। हाँ जी ठंडा पानी आ रहा, फ्रिज में डब्बा ना घी का निकालो। ये आपका
ये लो पहले मैं आपको देती हूँ, आपको तो सारे काम आते हैं। अरे चम्मच टूट जाएगा ऐसे में, इतनी ताकत लगानी पड़ती क्या उसमें? इधर दिखाओ मुझे, इधर दिखाओ, बस चीटी की तरह इतना ही बस। लाओ इधर लाओ, ये फ्रिज में आजकल मैंने इसलिए रखा हो ना, ठीक रहता है फ्रिज में। बाहर देखा नहीं, एक बार घी मेरा, पिछले बार का घी मेरा सारा ख़राब हो गया था। तो गाइस मैंने पहले सबसे पहले कुकू से शुरुआत कर ली क्योंकि ये तो पापा से। अरे वो गया नीचे। चलो ये लो, ये आपका घी, बंद कर दो। नाश्ता बन गया, तो सबसे पहले मैं मम्मी जी को दूंगी नाश्ता। तो मम्मी घी तो खाती नहीं, तो मैं मम्मी को देती हूँ चटनी। चटनी मैंने अभी बनाई, तो फटाफट से पहले मम्मी को दिया आती हूँ गाइस नाश्ता। तो गाइस एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ, देखो यहाँ पर सूरज की किरणों में देखो धुआं कैसा दिख रहा है, यहाँ से कुछ इस तरह से आती है यहाँ पर रोशनी। लो मम्मी जी नाश्ता बनाए, तभी तो टाइम लग गया। गाइस ये हो गया मेरा नाश्ता, मैंने साथ में घी ले लिया, और ये होगी मेरी कॉफ़ी। तो मैं जा रही हूँ छत में। तो गाइस धूप पे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, आजकल हम एक दो दिन से छत में ही खा रहे हैं नाश्ता, आराम से धूप भी लगती रहती है और नीचे से टाइम बैठा भी जाता है। गाइस इतना ठंडा लगता है ना इस वक्त, तो हम मतलब हर साल सर्दियाँ आती हैं तो ऐसे ही करते हैं, छत में बैठ जाते हैं अपना नाश्ता वगैरह लेके आराम से। कई बार तो नींद भी आ जाती है गाइस छत में। गाइस पीछे देखो, ये बेचैन आत्मा ये पीछे पीछे आ जाती है। जहाँ हम वहाँ तुम। चलो पहले फटाफट कर लो नाश्ता, धूप में अलग ही मज़ा आएगा। तो गाइस हम हो गए फटाफट से तैयार और हमें बज गए 12। जैसे मैंने सोचा था हम 11 खड़े अपने निकलेंगे, बट लेकिन ऐसा कुछ हुआ, टाइम लग गया। तो मैंने डाल लिया येलो कलर का कुर्ता, और कुकू तैयार होकर गई नीचे दादी के पास, तो बेबी भी हो गए तैयार। नहीं गए, सच में टाइम लग जाता है क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना, और आज मैंने बोला था आलू के पराठे बनाओ, आलू के पराठे बनाए, टाइम लग गया। और मेरे बर्तन भी धोए, सुबह के बर्तन भी मेरे अभी वही पड़े हैं किचन में, तो आके ही धोऊंगी। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी जल्दी आए, तो चलते हैं फटाफट। और साथ में मैं जैकेट भी लेके जा रही हूँ क्योंकि राजपुर में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, तो जैकेट मैं यहाँ से ऐसे डाल के जाऊँगी। धूप तो है बट फिर भी लेके, तो चलते हैं गाइस। हाँ गाइस यहाँ से देखो एकदम सामने मौसम दिखता है, पेट्रोल भराएंगे। तो है गाइस, तो हम यहाँ पर सेब ले रहे हैं फ्रूट की दुकान में, अंकल जी यहाँ पर टेस्ट करवा रहे हैं। अंकल जी दो जगह करना अलग अलग, धो लो पहले, धो के खाना आके टांगो। इन्हें पहुँच गए घर पे टाइगर, ये देखो टाइगर, ये देख 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 कैसे कर रहा है, डबल हो गया एकदम। ये तो पापा आपको खींच के लेके जाएगा। अरे बड़ा भयंकर हो गई, और अभी साल भर का भी जाएगा। देखो ये हमारा टाइगर, बस हो गया। अरे हो गया, मम्मी नमस्ते, ठीक है तू बड़ी जल्दी उतर। भाभी और भी आ गएगा इस, देखो स्वागत के लिए खड़ा और भाई टाइगर शीरी, आराम से आराम से आओ। भाभी पंजे ना मारो, वो सीरी डर रही, मान दो पापा इसे, बड़ा खतरनाक हो गया यार ये वाक्य में। हाँ अभी भाई नमस्ते, ठीक हो? मामी नमस्ते, नमस्ते बच्चा। कुत्ता देख लिया अभी, पीछे गिर जाएगी। अरे सो हे गाइस, तो फाइनली हम भाभी के घर पहुंच चुके हैं, और ये हमारी पूरी विद फैमिली ये देख सकते हो वहाँ पीछे, ये तो सो गाइस जो भाभी है हमारी, इनकी आया, ये मेरे साथ छोटी भाभी जी है, तो इन्होंने अभी नया ब्लॉग बनाया, तो बेटी की शादी करी थी उसके बाद इन्होंने कथा नहीं करा पाए थे, तो कथा भी करवाई, तो मतलब दोनों चीजें एक साथ हो गई है, तो काफी अच्छी बात है। हाँ तो काफी अच्छी बात है गाइस, तो फैमिली भी मिल जाती है साथ में इसी बहाने,
तो जितने भी भाभी लोग सब साथी थे हम लोग, तो कुछ यहाँ है, कुछ बाहर है, कुछ ऊपर छत में है गाइस। तो अभी खाना खाते हुए बनाऊंगी गाइस, कुछ खाना खाते वक्त पर मिलेंगे कुछ लोग आपको, और कुछ लोग बाहर है, कुछ अभी आए नहीं। हमारी छोटी सी बेबी, अच्छी अच्छी कर दो, अच्छी अच्छी, हाँ बिल्कुल जिद्दू की तरह, अच्छी अच्छी कोई तो। वो पीछे पीछे जा रही हो देखना। तो हम यहाँ पर खा रहे हैं खाना, यहाँ पे सब बैठे हुए भाभी जी दीदी लोग, एक फैमिली एंड बैकग्राउंड में भी पानी का रही उसका। सो हे गाइस, तो हम शुरू करते खाना। यहाँ पर है कद्दू की सब्जी, पूरी एंड आलू की सब्जी। अरे ये तो चार गिलास हो गए। हाँ तो वो उसके ना, एक वो रायते का और एक उसका, चलो ठीक पानी का। सो गाइस, तो हम पहुँच गए हैं घर और टाइम हो रहा है ठीक 7:15। तो रास्ते में हमारी इतनी कुल्फी बन गई थी, सारे गेस्ट लगभग चले गए थे, तो बेबी चले गए थे काम के बीच में। तो हमें लेट हो गई थी, नहीं तो हम लोग टाइम से आ जाते। तो ये लेट आए थे, तो हम इसलिए हम लोग भी लेट ही आए गाइस। तो अभी ठंड से बन गई हमारी कुल्फी, और पापा जी पहुंच गए क्योंकि पापा जी कह रहे थे कि मैं 3 बजे पहुंच गया था। तो अब मैं फटाफट से चेंज वेंज करके खाना वाना बनाऊंगा गाइस। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा गाइस। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।